प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार के साधनों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करने पर बल दिया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रदेश में कई स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र बसाए जा चुके हैं, जिसके चलते वहां पर प्रदेश के युवाओं सहित बाहरी राज्य के लोगों को भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। लेकिन बड़सर विधानसभा क्षेत्र में भी 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बलविहाल में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए शिलान्यास किया, लेकिन आज दिन तक इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां शुरू नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार से यहां पर औद्योगिक क्षेत्र बचाने की गुहार लगाई है। वहीं उद्योग विभाग के जनरल मैनेजर विजय चौधरी ने कहा कि अभी तक मात्र 2 शेडो का आवंटन किया गया है और कुछ लोगों के आवेदन पहुंचे थे, मगर उनमें कुछ खामियां होने के चलते अस्वीकृत किए गए हैं। वहीं स्थानीय एवं पूर्व पंचायत प्रधान कृष्ण कुमार की माने तो सरकार को यहां पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करवा देना चाहिए, जिससे यहां के क्षेत्र के लोगों को घर द्वार पर रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे तो वहीं क्षेत्र का भी विकास होगा। अगर सरकार यहां पर औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगाना चाहती है तो इस भूमि पर स्कूल या अस्पताल स्थापित करें ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। वहीं स्थानीय निवासी पवन कालिया का कहना है कि सरकार ने यहां पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। यहां पर जल्द से जल्द औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाए ताकि युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। 4-5 साल पहले राजा वीरभद्र सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था, मुख्यमंत्री वो थे, उसमें बिल्डिंग भी बन के तैयार होगी, लेकिन उसके बाद इसकी अलॉटमेंट होनी थी जो आज तक नहीं हुई। अलॉटमेंट नहीं होने की वजह से ये खंडर बन गया है, करोड़ों रुपया जो है वो बेकार जा रहा है और इसका कोई भी वो नहीं है, औचित्य नहीं है इसका खाली रहने का। तो हमारी मांग ये थी कि इसको या तो अलॉटमेंट कर देते, अगर अलॉटमेंट नहीं होती है, नहीं कोई लेता है, तो इसका कोई और प्रावधान करके कोई और चीज़ इसमें चलाई जाती ताकि इसका उपयोग हो सकता और ये जो लोगों को करोड़ों रुपया लगा है ये हो जाता है। जैसे आजकल कोरोना में काफ़ी बेरोजगार लोग आए हैं, तो ऐसे बेरोजगार लोगों के लिए कोई कार्य करने के लिए यहाँ पे कैसे न कैसे अलॉटमेंट कर दी जाए, सरकार इस ओर ध्यान दे और ये जो करोड़ों रुपया खर्च सरकार का हुआ है इस बारे में 15-1-2015 को उसमें के जो मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे उनके करकमलों द्वारा इसका इस जगह का जो था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए जो था वो शिलान्यास किया गया था। लेकिन उसके बाद मैंने जितना जो भी हमारा ये जो बिल्डिंग है 5-6 बने हैं, लेकिन ये एक खंडर की तरह बन के रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जिस वक्त ये इंडस्ट्री एरिया आया था इस इलाके को बहुत सारी उम्मीदें थी और इस पंचायत की जो 53 कनाल जमीन जो थी वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के नाम करवाई गई थी, इस उम्मीद से कि हमारे जो इलाके में 10-15 नीर वॉट पंचायतें पड़ती हैं तो उनके लिए यहाँ हमारे भाइयों को रोजगार होगा और ये अच्छा सुचारू रूप से जो है ये कार्य चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी जो हाल में सरकार है उसके द्वारा भी इसकी कोई सूद जो है वो बिल्कुल नहीं ली जा रही है, नहीं है तो यहाँ कोई सेंट्रल स्कूल या हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छा सा ग्राउंड या कोई भी जो भी मैंने यहाँ पर अगर नहीं हो तो हॉस्पिटल ऐसी जैसी अगर सुविधा या अगर इसी तरीके से इस इंडस्ट्री का काम रहना है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी गुजारिश करूँगा कि नहीं है तो इसको शिफ्ट करके और कोई जो हमारे बच्चों के लिए या स्कूल या हॉस्पिटल या कोई मैदान ऐसी जैसी सुविधा जो है यहाँ। ये सारे अगर जगह रोकी या इसका इतना ज्यादा पैसा सरकार ने लाया जो भी सिस्टम है तो ये वर्तों च आना चाहिए। इसका मतलब है थोड़ा पे हर जगह तो हम बिल्डिंग तैयार करी दिया लेकिन अगला सिस्टम कोई नहीं, इस जो ढांचे जो चलाना चाहिए। छोटे छोटे कारोबार कोई भी है जिन्हें कोई एप्लीकेशन दीतिया जेडे चाहते जो लाट करना चाहिए सिस्टम सारा जी। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से क्या मांग? सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा जिस हालात बहुत ज्यादा खराब है किसी न किसी इस लाट करो
तिस्ते जे इलाके दा कोई डेवलपमेंट हुआ है, कोई कारोबार चल रहा है, 60-70 कनाल जमीन बेकार सारी बाउंड करी थी जी, तिस्ता जे कोई मतलब नहीं है। आहंदे पशु चरते थे थी, सब कुछ हुंदा था, सब ही सारा बंद होया, किसी बर्तन च नहीं है जी। तहां सरकार ते बहुत ज्यादा उम्मीद रख दी पे इसका कोई ना कोई हल जल्दी से जल्दी। इंडस्ट्री एरिया जो है वो एक्चुअली मतलब इसकी जो जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस होती है वो मतलब जो कंटीन्यूअस एक्टिविटी होती है, तो इसमें 7 शेडों का निर्माण किया जा चुका है, लगभग 8 फ्लोर जो है इस एरिया में हमने कार करवाए हैं, और उसमें 3 फ्लोर जो है वो उनको रोड के साथ कनेक्टिविटी कर दी गई है, और 1 फ्लोर जो है हमने अलॉट भी कर दिया है, और शेडों में भी हमने 2 शेड जो है वो हमने अलॉट किए हैं, और जो है इसमें अभी जो अलॉटीज हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी और जिनको हमने अलॉटमेंट कर दी है वो इसमें अपनी आगे की एक्टिविटी चालू करेंगे। एक जो प्लॉट नंबर 5 जो हमने अलॉट किया है उसको उसमें उन्होंने उसको प्लेन करके डेवलपमेंट शुरू करनी शुरू कर दी है, और 5-7 महीनों के अंदर अंदर वो एक अच्छी सी बेकरी यूनिट वहाँ लगाने जा रहे हैं। इसी तरह 2 शेडों में भी एक फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगेगा और एक स्टील फैब्रिकेशन का यूनिट का प्रोजेक्ट जो आया है उसको हमने किया है, और 2 और शेडों की एप्लीकेशन हमें आई थी और 1 प्लॉट के लिए भी एक एप्लीकेशन आई थी, तो उसमें कुछ कमी होने की वजह से हमने वो वापस करी हुई है, और अभी जैसे उसकी खामियां दूर हो जाएंगी तो हम उनको भी अलॉटमेंट के लिए कंसिडर करेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।